रामपुर कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की विधायकी रद्द किए जाने के खिलाफ लगाई गई याचिका को खारिज कर दी और दो घंटे तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने आजम खान की सजा पर रोक लगाने की स्टे एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। वहीं आजम खान की सदस्यता आयोग होने के बाद अब रामपुर सदर से चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है और आज रामपुर विधानसभा सीट पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए 11 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो 18 नवंबर तक चलेगी और 19 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच और 21 तक नाम वापसी होगी। वहीं 5 दिसंबर को मतदान और 8 दिसंबर को मतगणना होगा। वहीं भाजपा और सपा इस सीट से किसे प्रत्याशी बनाती है यह देखना दिलचस्प होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की विधायकी रद्द किए जाने के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुनवाई की थी और अदालत ने कहा था कि आजम खान को उचित मौका दिया जाना चाहिए। साथ ही अदालत ने रामपुर सेशन कोर्ट को आजम खान की अर्जी पर सुनवाई करने का निर्देश दिया था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मुद्दे पर सुनवाई हुई और अदालत ने सपा नेता की याचिका को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी ठहराने और उन्हें 3 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया। बता दें कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर भड़काऊ भाषण दिए थे और 27 अक्टूबर को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के रैंप के तहत उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। वहीं सदस्यता जाने के बाद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी जिस पर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।